हानिया, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप और फातिमा कल शॉपिंग पे गए थे, कैसी रही? यकीनन कल आपकी मुलाकात आपकी अम्मी से हुई होगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानना ये चाहता था हानिया कि आप अपने आप को धोखा दे रही हैं या आपकी अम्मी मुझे। एक बात बताऊं दानियाल, मुझे पछतावा सिर्फ तब होता है जब मैं किसी को दुख पहुंचाती हूँ या धोखा देती हूँ। मुझे देखो, बिल्कुल मुतमईन हूँ, पुरसकून हूँ मैं। हानिया, क्या आप अपने आप को धोखा दे रही हैं? जब मैं किसी और के साथ खुदगर्ज नहीं हूँ तो मुझे अपने आप को कोई धोखा देने की जरूरत नहीं है। आप झूठ बोल रही दानियाल, प्लीज ये इन्वेस्टिगेशन अब आप बंद कर दें। मुझे ना ही कोई पछतावा है और ना ही कोई अफसोस, मैं खुश हूँ। मैं यकीनन अम्मी ने आपको ये बरगलाया होगा। क्या कहा है उन्होंने आपसे? हानिया, क्या आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, कहते हैं तो लिख के दे देती हूँ। बहुत जल्द मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाऊंगी। कैसी खुशखबरी? मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? किससे? कौन है वो? Don't worry, सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगी। कॉफी? कॉफी देख के आती हूँ कहाँ रहे। शरीफा, कॉफी रेडी हो गई? जी हाँ नहीं आ रही। कॉफी? आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? इन बातों का कोई फायदा नहीं, और ऐसे भी 2 दिन में आपको अपने हाथों से कॉफी पिलाने वाली भी आ जाएगी। कॉफी के साथ कुछ और लेंगे? इतनी लंबी उम्र है, फातिमा का फोन। फातिमा को मत बताना कि मैं आपके साथ। क्यों? अभी से अपनी आने वाली बेगम से डरने लगी? खौफ की बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी दुल्हन का? तुम्हें पता है तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। वालेकुम अस्सलाम, मेरा जिक्र हो रहा था? कौन कर रहा था मेरा जिक्र? आपका बेटर हाफ, और कौन कर सकता है? क्या दानियाल तुम्हारे साथ है? हाँ, ऑफिस के लिए पिक करने आए थे, मैंने नाश्ते के लिए रोक लिया। तुमने माइंड तो नहीं किया ना? मैं भी साली हूँ, मेरा भी कुछ हक है। नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड कर?